वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप रोज देख सके इसी प्रकार की न्यू हेल्थ टिप्स वीडियोस। तो योनि नारी का सबसे उत्तेजना पैदा करने वाला अंग होता है। इसके लिए पुरुष तो पागल रहते ही है, लेकिन अगर लड़कियों के यौन भाग को लड़के सहलाते या चूमते हैं तो लड़कियां भी आनंद से पागल हो जाती है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या योनि को जीभ से या मुंह से चटना या छेड़ना सही है या गलत, और इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम फायदों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर स्त्री स्वस्थ है और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या इन्फेक्शन उनको नहीं है, तभी इस क्रिया को अंजाम देना चाहिए। और अगर कोई इन्फेक्शन महिला को है तो यह क्रिया बिल्कुल ना करें। और इस क्रिया को करने से पहले सफाई बहुत जरूरी है। ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी या प्रेमिका उत्तेजित नहीं होती है या सेक्स के लिए तैयार नहीं हो पाती है, अगर वह उनकी योनि को अपनी जीभ से चटते हैं और भगनासा को अपनी जीभ की नोक से छेड़ते हैं, तो स्त्री बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती है और आप उनके साथ आसानी से सेक्स कर सकते हैं। वह पुरुष जो शीघ्र पतन से परेशान है और बहुत कम समय में उनका वीर्य निकल जाता है, उनको चाहिए कि वह अपनी स्त्री की योनि को जीभ से जरूर चाटे। ऐसा करने से स्त्री ज्यादा उत्तेजित होगी और वह लिंग प्रवेश करने के बाद जल्दी ही झजाएगी और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत से शोध में यह साबित हुआ है कि जो पुरुष अपनी स्त्री की योनि को मुंह में लेकर चूसते या चाटते हैं, उनको दिमागी बीमारियों जैसे मानसिक तनाव, गुस्सा आना इत्यादि होने की संभावना बहुत कम होती है। और कुछ पुरुष जो मानसिक बीमारियों से पीड़ित थे, वह मुख मैथुन करने से ठीक भी हुए हैं। इसलिए मुख मैथुन जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं नुकसान के बारे में। इस क्रिया को करने का वैसे तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर योनि में किसी प्रकार का संक्रमण या इन्फेक्शन है और आप इस क्रिया को करते हैं तो बहुत हद तक आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यह क्रिया करने से पहले इस बारे में जरूर जान लेना चाहिए। हो सके तो इस क्रिया को करने से पूर्व स्त्री की योनि को किसी प्लास्टिक कवर से ढक लेना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर कॉन्डोम भी आते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हेल्थ और स्वास्थ्य से संबंधित इसी प्रकार की और वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।